तो हम लोगों ने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रखे हैं, जैसे ये आपका पूरा बुके बना सकते हैं, ये बोगनवेलिया है। फिर डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जैसे ये आपका लाइक ये फर्न है, ये वॉल पे ऐसे लगा सकते हैं पूरा, मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसमें जड़ वगैरह की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, लगाया जाता है, कुछ ना कुछ इसमें लगेगा, कुछ ना कुछ इसमें तभी लगेगा। ये एस्परेगस है, मेडिसिनल प्लांट है। ऐसे ऐसे उठा के अपने पास से दिखाएं। ये एस्परेगस है और ये मेडिसिनली भी इम्पोर्टेंट है, कई सारे इसमें यूज किए जाते हैं। और ये एक तरीके से प्लांट के मॉडिफिकेशन स्टेम्स, ये मॉडर्न वेक्टिया है, इसमें भी देखिए ये भी काफ़ी जो है इसमें स्टेम पार्ट बिल्कुल फ्लैटेंड हो गया है, मतलब मॉडिफिकेशन है ये भी। ओके, ये मार्किनसोनिया है, इसमें भी देखेंगे कई सारे जो है पेटियोल चेंज हो गए हैं, बिल्कुल मॉडिफाइड हो चुके हैं। ये लीफ रिड्यूस्ड हो जाती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, ये थोड़ा जीरो फिटिक करेक्टर्स को भी शो करता है। और ये फर्न है जो एंजियोस्पर्म के पहले मतलब रहे हैं, जिम्नोस्पर्म के भी पहले इन्वॉल्व हुए थे, और इनमें जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यहाँ पे स्पोरोफिल वगैरह रखते हैं, ये भी ऑर्नामेंटल के पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है। और ये ओपनशिया है नाथपनी, जो सकलेंट प्लांट है और ज़्यादातर रेगिस्तानी एरिया में मिलता है, और वैसे भी ऑर्नामेंटली भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इससे मल्टीपर्पज और भी कुछ मेडिसिन इसमें बनती है। ये उसी का ही डाइगोडियम का ही है प्लांट्स, और ये बोगनवेलिया आप लोग जानते हैं काफ़ी जगह पे लगा रहता है। इसके अलावा जो हम लोग के यहाँ रिसर्च जो होते हैं और उनसे जो भी हम लोगों ने बताया है सबके लिए है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन फॉर्म्स हैं, साइटोजेनेटिक्स है, देन टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कितने तरह के प्लांट्स जिम्नोस्पर्म जो ज़्यादातर हिली एरियाज में या कुछ ऐसे डेजर्ट एरियाज में मिलते हैं, देन माइक्रोस्कोपी का है क्या, कितना मतलब अब तक आविष्कार हुआ और कैसे शुरुआत हुई वो स्लाइड लगी हुई है। देन ब्रायोफाइट्स डिफरेंट टाइप्स के, इसमें भी मेडिसिनल ब्रायोफाइट्स हैं, कई डिफरेंट टाइप्स के ब्रायोफाइट्स भी हैं। देन इसमें फंजाई से रिलेटेड यानी जो माइक्रोस्कोपिक जो स्पोर्स होते हैं उनको लेकर के भी बनाया गया है। देन ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब जो आजकल सबसे ज़्यादा जो ऐसा हम लोग अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करें, जो भी डेवलपमेंट भी हो रहा है तो वो भी हम लोग अपने पॉपुलेशन के साथ और जो एनवायरनमेंट के साथ जो है हम लोग समझौता किए रहे हैं, मतलब ये ना हो कि हम लोग एनवायरनमेंट को ज़्यादा उस पर प्रेशर दें। देन वर्टिकल गार्डनिंग आप लोग लगा सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ के लिए आपकी वर्टिकल गार्डनिंग के पूरी प्रोसेस दे रखती है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के मॉडिफिकेशंस हैं, जिसमें कि खासतौर पे आप ड्रग रेजिस्टेंट या कुछ ऐसे जो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप होती हैं उनको हम लोग बना सकते हैं या मॉडिफाई करके बना सकते हैं। अपना डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रों के आगे उनका पर्चा आगे।